तरह के कोई कदम उठाता है असं प्रशासन उन्होंने नाल है साड़ी गुजारिश है कि भाई जिन्हें अगे आ सकते हैं जरूर पंज बसां आईयां ने जलंधर तो चौबीस पच्ची डॉक्टर भी हैं मुंडे समूह के एस ग्रुप हमेशा इंसानियत समर्पित काम करते हैं वो सेवा की जाऊगी और वधिया तरीके मैनेज किया हुआ तो लोगों को काफ़ी उत्साह है कैंसर की थानू सारे पता ही है भी अपने एरिए कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा है एक दो स्टेजा पार कर जे तो कैंसर का इलाज करवाना हरेक बंद बस की गल नहीं हैगी KS ग्रुप मलेरकोटला वालों KS एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को खुरद विखे मैगा मेडिकल कैंप से कैंसर रोकू चैकअप कैंप लगाया गया जिस विच वर्ल्ड कैंसर केयर सेंटर की डॉक्टर की टीम वालों मरीजों का चैकअप किया गया कैंप विशेष तौर पर पहुंचे DC संयम अग्रवाल मलेरकोटला ने अजिहे कैंपा समय की लोड़ दसदियां KS ग्रुप की जम के शलाघा की ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ टूडे पंजाब कोऑपरेट ग्रुप्स ने तो सारे सोसाइटी वापस देना चाहिए है तो इस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ जो भी करते हैं चाहे प्रशासन के नाल मिल के या अपने लैवल पर करते हैं बहुत बढ़िया है पूरे एरिया देखो कितनी सहूलत मिलती हैगी खासकर जी हेल्थ और एजुकेशन है जो अपने दो पिलर हैं उस खेत्र के जड़ी भी संस्थान की हैगी उन्होंने वालों जो भी काम किया जाता है उसमें सोसाइटी में बहुत इंपैक्ट होंगे है तो इसलिए ये जो ग्रुप हैगा वधाई का पत्र है ये इंस्पिरेशन है कि इस तरह के जे एक लाते हैं तो देखा दे कि होर लोग भी इंस्पायर होंगे है तो एक चेन इफेक्ट होंगे है तो साड़ी गुजारिश है भी जेडे होर भी इतने इस एरिया है इस एरिया रिक्वायरमेंट भी हैगी थोड़ा तो इस एरिया जिन्हें भी इस तरह के कोई कदम उठाता है असं प्रशासन उन्होंने नाल है तो साड़ी गुजारिश है कि भाई जिन्हें अगे आ सकते हैं वो जरूर अज का जो कैंप KS एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कुप खुरद विखे लगाया गया है यह केयर वर्ल्ड वर्ल्ड कैंसर कैंप तो ये पंज बसा आईया ने जलंधर तो चौबीस पच्ची डॉक्टर भी हैं दस नाल उन्होंने होर हैल्पर हैं तो वो सारे जिन्हें भी मरीज आते हैं उन्होंने सारे चैक करना हर एक बीमारी चैक की जाएगी तो उन्होंने दवाइया भी फ्री दी जाएगी तो इत्थे लंगर का भी पूरा मतलब प्रबंध है हर एक बंदा लंगर भी छक के जाएगा चाह का लंगर भी लग्या होया तो यह सेवावान KS ग्रुप वालों की गई ने किसी साहब आए थे तो होर भी जो भी ऑफिसर साहब आए ने डॉक्टर साहब आए ने मैं सारे का कोट इन कोट धन्यवाद करता हाँ तो मालिक इन्होंने तंदुरुस्ती बख्शे लोगों की भलाई ले जिमें सरदार इंद्रजीत सिंह जी मुंडे समूह KS ग्रुप हमेशा इंसानियत समर्पित काम करते हैं उन्होंने मतलब देखा कि साढ़े इलाके थोड़ी जी अनपढ़ता होने के कारण लोग अपनी सेहत लिए जागरूक नहीं है उन्होंने लोगों जागरूक करने के लिए लोगों की सेहत की भलाई के लिए कैंप लगाया तीन चार हज़ार बंदा आया जिसे मतलब जिन्हें कभी वो परमात्मा वालों सेवा होनी है वो सेवा की जाऊगी और वधिया तरीके मैनेज किया हुआ तो लोगों काफ़ी उत्साह है सारे पता ही है भी अपने एरिए कैंसर की प्रॉब्लम ज़्यादा हैगी तो टैस्टिंग मशीन ना होने करके असी वर्ल्ड कैंसर केयर दो टीम ने इन्हों का सलाबता करके असी बसा मंगाइया ने तो तकरीबन 2000 के करीब जो पेशेंट है वह इतने आने की साड़ी संभावना है जी 1500 के करीब हो चुके हैं इनू बहुत ज़्यादा फायदा होगा कई लोग ने महंगे टैस्ट ने गे नहीं करवा सकते है इतने वो टैस्ट फ्री ने गे हरेक तरह का टैस्ट फ्री है चाहे वह अखां का है चाहे वह कैल्शियम के टैस्ट ने औरतों दिया जो बीमारियों के मतलब हर तरह का टैस्ट हो रहा और दवाई भी फ्री दी जा रही है मैं सुखिंदर सिंह KS ग्रुप तो जी असी KS ग्रुप मलेरकोटला कुप खुरद के कैंप लगाया गया जिहड़ा कि कैंसर तो पीड़ित लोगों लिए मरीजों लिए क्योंकि जिहड़ा हरेक दे वस की गल नहीं है कैंसर का इलाज करवाना ता कि यह जो पहला मुढ़ले तौर पर जे फड़िया जाए कैंसर का इलाज तो आसानी हो सकता है जे ये स्टेज एक दो स्टेजा पार कर जे तो कैंसर का इलाज करवाना हरेक बंदे दे वस की गल नहीं हैगी करके
कैंसर का इलाज का कैंप अस ये लगया भी जाके जोड़े भी मरीज कैंसर तो पीड़ित हैं तो यह फिर साढ़े कैंप के आके अपने टैसट करवा मौके से सिरे दवाई ये भी लै सकन जो भी है।